खबर हरियाणा से लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री तीर्थ योजना के तहत प्रदेश सरकार के माध्यम से बसों का आवागमन लगातार जारी है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने शनिवार को परिवहन डिपो सोनीपत से बस को अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। इस दौरान बस में अयोध्या धाम रामलला के दर्शन करने के लिए जा रहे लोगों में खुशी भी जरूर देखी गई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि हरियाणा सरकार के माध्यम से तीर्थ यात्रा योजना वास्तव में ही लोगों के लिए लाभकारी साबित हो रही है। के लिए तो बच्चे ऐसे ही नहीं बिल्कुल गलत होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कहा नहीं, ये हरियाणा सरकार जो है बहुत अच्छी है। ये हरियाणा सरकार इस टाइम एक एक काम गरीबों के लिए कर रही है, तो मैंने जब उनको विश्वास दिलाया तो विश्वास हुआ। अभी दो दिन पहले मेरे पास फोन आया, आप विनोद कुमार जी बोल रहे हैं। मैं कहा हाँ जी। बोले आपका अयोध्या का नंबर आ गया। इतना मन खुश हुआ, मैंने आके अपनी मिसिज को बताया। ये मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत आज सोनीपत डिपो की ये वोल्वो बस जो सोनीपत से अयोध्या दर्शन के लिए जाएगी, 47 यात्री इसमें रहेंगे और सबके खाने की, रहने की, नाश्ते की, भोजन की पूरी व्यवस्था के साथ इनको भगवान श्री राम के अयोध्या दर्शन करने का मौका मिलेगा। और उसके साथ साथ इनका आज नाइट स्टे लखनऊ में रहेगा और जो जो भी तीर्थ स्थान है पिछमाते हैं वहाँ अयोध्या में जो भी तीर्थ स्थान है सभी स्थानों पर भ्रमण करवाते हुए इनकी यह दो दिवसीय तीर्थ दर्शन योजना है, उसके तहत सभी को भागीदारी मिली है। और समाज का जो गरीब व्यक्ति जिसके परिवार में अभाव रहता है, पैसे का अभाव रहता है, गरीबी के कारण इस प्रकार की तीर्थ यात्रा नहीं कर पाते, वो सब मुख्यमंत्री जी की योजना के तहत तीर्थ दर्शन कर पाएं। इस प्रकार की एक योजना हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जिसको शुरुआत की है। सोनीपत से अर्थ प्रकाश के लिए आदेश त्यागी की रिपोर्ट।